Hey guys, welcome back to our another vlog. ठीक बोले ना? तो आपका स्वागत है हमारे vlog channel पे आशीष प्रीता vlogs. और अभी कितने बज रहे हैं बेटू? 12. यानी कि आज है friendship day. और हम लोग अभी सोने के लिए जा रहे थे, तब तक ये बोली मम्मा टाइम क्या हो रहा है, तो अभी 11:56 हो रहा था. तो फिर हम लोग सोचे कि चलो अपने सारे व्यूअर्स को सबसे पहले हम विश करते हैं हैप्पी फ्रेंडशिप डे. या तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे को हम लोग किस तरीके से सेलिब्रेट करें? हम कल मेरे फ्रेंड के घर चले. तो ये जो कार्ड बनाई थी ना उसकी सीक्रेट तो कब बताओगी? कल. ओके, कल बताना. ठीक है, कल हम लोग ब्लॉग बनाएंगे तो उसके घर जाएंगे और उसके घर चल के फिर गिफ्ट के लिए कार्ड देंगे. ठीक है, टॉप सीक्रेट. तो अभी हम लोग कैसे सेलिब्रेट करें वो ये तो लग रहा है कि मुंह में दही जमा के बैठे हैं. नींद आ रही है मुझे, रात के 12 बजे. कुछ दो शब्द बोल दीजिए. दो शब्द पापा. मतलब फ्रेंड्स में आके दो लाइन बोलना चाहती हूँ. हाँ बोलो. दो लाइन यार, दोनों के एक से एक कह देती हूँ. ये बच्चा ना, इसके बारे में कुछ बताऊंगी अभी क्या की थी? क्या फ्रेंडशिप डे नहीं सेलिब्रेट कीजिएगा? दोस्त ना प्यार प्यार ना. हाँ भूल गए थे फ्रेंडशिप डे भी. सबको भूल जाइए आप. अरे कुछ बोलिएगा, मनोरंजन कर रहे हैं बस. मैं बोल रही हूँ मुझे देख रहे हैं, ये बोल रही तुझे देख रहे. सो गाइस फॉलो करो. तो गाइस लाइक करो. तो गाइस हमारे वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तो फिलहाल अभी रात में हम लोग कुछ ऐसा प्लान नहीं किए थे, अचानक माइंड में मतलब ये क्लिक किया. ये जब पूछी कि मम्मा टाइम क्या हो रहा है तो 11:56, तो मेरे माइंड में ये क्लिक किया कि क्यों ना एक छोटा सा क्लिप अभी हम लोग रात का ले ले. तो अभी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं फ्रेंडशिप डे चॉकलेट इस सिल्क के साथ. हाँ सिल्क चॉकलेट के साथ. तो ज्यादा तो नहीं खाना है रात में. ठीक है, ये खराब होगा आज रात में. इसके दांत में ना कीड़े आएंगे ऐसे. जी नहीं नहीं आएंगे. ठीक है, तनु के दांत में क्यों आएंगे? आपके दांत में आएंगे. तो ब्रश करके सोती है, अभी भी खा के ब्रश करेगी ये. अच्छा हाँ, आप ही नहीं करके सोते हैं. सबसे इस धरती का सबसे बुरा इंसान मैं हूँ. हाँ। सबसे बड़ा पापी इस धरती पे अगर कोई है तो मैं हूँ. इस धरती पे सबसे ज्यादा जो मुझसे और इस छटंकी से प्यार करता है उस इंसान को मेरी तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे. कैसा लगा? कितना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिए हैं. इसके बाद में ना लाइक और सब्सक्राइब कर दो. खुद ही खाएंगे इनके में ना. एक चीज की कमी है कि खाओ. एक चीज की कमी है ना, लेकिन खा लीजिए. जब मुंह मेरा खत्म हो जाएगा ना और जब मैं कुछ बोलूंगी ना तब लेंगे और खिलौने के लिए आएंगे. हाँ लीजिए. मुंह में डालते ही बोलना चालू हो गई. मौका देना चाहिए अगले को. इतना बड़ा चॉकलेट मुंह में डाल दिया तुमने. मैं खुद ही खा रही. मैं यहाँ पर असर खिला दो क्या मुझे? एक बाइट दीजिए ना तोड़कर. बाइट तो तोड़ लोगे, एक काम कुछ नहीं होता है. एक बात बताओ तन्नू. चलो चलो जाएगा.
वही वाला चल बाबा को एक खा लो, इतना हंसते नहीं है खाते समय, पापा को खिला दो बेटा, अपने हाथ खिला पापा को। अरे को इनको तो खिलाओ आप दोनों, खिलाओ ना इनको सबसे बड़ा बाइट का, फिर ये आप लोगों के लिए। अब पापा भी देखिए, हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल माय व्यूअर्स, ऑल माय सब्सक्राइबर्स, आप लोगों के साथ ये हमारा दूसरा फ्रेंडशिप डे है, लेकिन पहला फ्रेंडशिप डे पता नहीं हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, लेकिन जब जागो तब सवेरा, और अभी से इस साल से लेके जितना साल भी हम फ्रेंडशिप डे मनाएंगे सबसे पहले आप लोग साथ सेलिब्रेट करेंगे। यस, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं आप सोने के लिए, तो कल नेक्स्ट मॉर्निंग अभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, गाड़ी भी पकड़ना है तो मैं जा रहा हूँ सोने, आप लोग पीछे से आइए। जा रहे हैं सोने, मैं जा रहा हूँ बोतल में पानी लेकर आइए, पानी पिलाइए, मैं जा रहा हूँ सोने, आप लोग पीछे से आइए। नहीं बाथरूम घुस गए, बाथरूम में सोइएगा, फ्रिज में बताओ नहीं खाएंगे। वाओ, तो फ्रेंड्स आपने बस पानी पी के हम लोग बता दीजिए थोड़ा, आप लोग भी बताइएगा आप लोग फ्रेंडशिप डे किस तरीके से सेलिब्रेट किए। पहले क्या होता था ना, जब हम लोग स्कूल टाइम में घर के बगल में गिफ्ट का एक दुकान था, वहां से हम लोग बहुत सारे फ्रेंडशिप बैंड खरीदते थे और अपनी क्लास में जितनी भी हमारी फ्रेंड्स थी सबको बांधते थे। उस टाइम का ना जो समय है ना वो बहुत ही मतलब वो टाइम पता नहीं अब कभी नहीं आएगा मुझे लगता है, तो वो भी एक बहुत ही गोल्डन समय होता है स्कूल का। मैंने पापा से एक बात पूछी कि आपके कॉलेज में कोई फ्रेंड थे, तो पापा बोले कि बहुत सारे थे, तो मैंने पूछा कि नाम क्या है, मुझे नहीं पता इतने सारे फ्रेंड्स थे। अब इतने सारे फ्रेंड्स थे लेकिन ये इकलौती ऐसी थी जिसके कारण मैं सबको भूल जाता था। अच्छा मामा आप बता दो ना आपके कौन से फ्रेंड्स थे। वही थे। अच्छा तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग सोचे हैं कि लव स्टोरी का जो हमारा स्टोरी है वो हम इनका वीक ऑफ के दिन हम लोग उसे शूट कर लेंगे, और शायद वो काफी पार्ट पार्ट में आए क्योंकि काफी लंबा लव स्टोरी था, 6-7 साल हमारी लव स्टोरी चली है, उसके बाद शादी हुई है तो काफी इतना लंबा जो जर्नी है उसको एक वीडियो में तो शायद वो नहीं हो पाएगा क्लिक, तो आराम से पार्ट बाई पार्ट उसे हम शूट करके और अपलोड करते रहेंगे, आप लोग देखिएगा। तो बस अभी फिलहाल अभी रात का जो क्लिप यहीं पर मैं खत्म करती हूँ, सुबह का फिर उठ के सुबह कुछ धमाकेदार करना है, धमाकेदार आपको पता है ये सुबह 8 बजे तक घोड़ा बजे उतरती है, मैं 8:30 बजे उठाता हूँ, अरे उठो मुझे ऑफिस भी जाना है, तब जाकर के ऐसे 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 आने के बेटा एक काम कीजिए आप बाहर खा लीजिएगा। अरे वो आज मैं वीडियो में बता चुकी हूँ तन्नू को ना, मेरी तकलीफ कौन समझेगा, सैटरडे संडे में बाहर खाना नहीं मिलता है। अच्छा मिला था नहीं मिला था आज, बात करेंगे इनको मैं भूखे थोड़ी भेजी थी, इनको सुबह सुबह रोटी बनाई थी और कल रात में जो खाना ऑर्डर किए थे तो उसका सब्जी वब्जी बहुत सारा रात में मैं ज्यादा खाई नहीं थी, हम लोग हल्का फुल्का खा के सब्जी रखा हुआ था तो वो मैं खिला के भेजी हूँ, चाय भी पिलाई थी। अब पता है मैं उठ के चाय चढ़ा दी, सुबह चाय पत्ती डाल दी, फिर मैं आके सो गई, मैंने इनको कहा कि आप चीनी वगैरह सब डाल के आप फ्रिज छान के पी लीजिए, मेरे से तो एकदम मतलब आँख में ऐसे बंद हो रहा था ना, मैं रात भर नहीं सोई थी, इसे फीवर था और इसे मैं अपने एकदम चिपका के सो लाई थी, और इतना इसका शरीर मतलब गर्म हो रहा था कि मतलब मुझे टेंशन से नींद ही नहीं आया। से कुछ हो जाता है ना थोड़ा सा भी तो मुझे बहुत, मेरा जान सोते रहते हैं। तो वो तो शायद सो गए होंगे, मैं रात भर सोई नहीं, बस इधर घूम रही है उधर घूम रही है, मेरा नींद ही मुझे नींद ही नहीं लगा, मुझे भी थोड़ा बहुत नहीं लग रहा था, तो इसीलिए सुबह मतलब वही मैं सोच रही थी कि हाँ हाथ में क्या लगा हुआ है, तो इसलिए सुबह मेरा नींद बिल्कुल नहीं खुल रहा था, एकदम लग रहा था कि कोई मुझे भांग खिला दिया हो, एकदम नशा। चुप रहिए, मैं खाई नहीं, लेकिन सबको आपको एक बताओ एक बात,
अपनी हम लोग अपनी कुछ स्टोरी बताते हैं। चुप रहिए, चुप रहिए, मैं बता के रहूंगी। जी कल ऑफिस चले जाएंगे, मैं बता के रहूंगी। मुझे भी बताना। हाँ सुनिए, अब मुझे नहीं पता, पता है क्या हुआ था। चलिए मैं कल बताऊंगी, ठीक है? अभी बताऊंगी तो उनका भी रिएक्शन देखने को मिलेगा। मम्मा अच्छा से बता दीजिए ना। हाँ तो एक बार ना मैं अपने ससुराल आई थी शादी से पहले, अब पता नहीं इनको कौन भांग खिला दिया था। चलिए ये सीक्रेट ही रहने देती हूँ, अब देखती हूँ कितने सारे व्यूवर्स लोगों को एकदम चुलबुली मच जाता है। ये चीज अगर आप लोगों को जानना है तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर, अगर कमेंट आएगा तो मैं बताऊंगी जरूर कि ये उस दिन क्या किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिलहाल गुड नाइट, नहीं सबके सामने बताऊंगी। तो फिलहाल अभी अभी के लिए गुड नाइट, सुबह का वीडियो फिर हम बनाएंगे और तनिषा की फ्रेंड के भी घर चलेंगे। तो सुबह जल्दी उठना, क्लास नहीं और मुझे मेरा कल का बहुत बिजी शेड्यूल है। क्यों? मुझे जाना है दो तीन जगह, दो तीन क्लाइंट को मुझे जाना है विजिट करवाने के लिए फ्लैट। बताऊंगी फुर्सत से, तो इसलिए कल का मेरा काफी बिजी शेड्यूल है, इसलिए आप सुबह जल्दी उठना, जल्दी नहा धोवा के अपने फ्रेंड से कार्ड देने के लिए और चॉकलेट भी, ठीक है? चॉकलेट दे देना, चॉकलेट जो भी लेना है ले लेना, ठीक है? तो उसका वीडियो मैं कल बनाऊंगी, फिलहाल बहुत टाइम हो रहा है। गुड नाइट फ्रेंड, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। खाना वाना खा लियो, ब्रेकफास्ट कर लियो, तो जोर से बोलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज तो बहुत काम है लेकिन फिर भी इसके लिए टाइम निकाल रही हूँ। इसे अपनी फ्रेंड को देना है कार्ड, फ्रेंडशिप कार्ड, और ये जो उस दिन बनाई थी ना फ्रेंडशिप कार्ड, जो कि स्कूल में इसका क्या कहते हैं एक्टिविटी हुआ था, हाँ उसमें जो फ्रेंड का नाम लिखी है ना काव्या, उसी के लिए फिर से बनवा रही है कार्ड। मैंने कहा कि वो वाला कार्ड ही दे देना, उसी के नाम से बनाएगी। मुझे रेड कलर बहुत पसंद है ना इसीलिए। तो ये वो वाला नहीं देगी, अब दूसरा बनवाएगी। मुझे रेड कलर पसंद है। तो रेड कलर का ही बनाएंगे फिर। नहीं एक जैसा बनाएंगे ना, दोनों बहन है, दो बहन है वो अलग अलग रहेगा तो रोएंगे। एक ग्रीन और एक रेड, और सेम वैसा बना दूंगी, वो फटाफट बन गया था कार्ड। ठीक है ओके। तो इसके लिए फिर से मैं बनाने जा रही हूँ आज कार्ड, बस कटिंग कर दूंगी, पेस्ट ही खुद करेगी। ठीक है बेटू, ठीक है तो फटाफट सेम वही कार्ड या कुछ डिफरेंट तो देखते हैं, बनाती हूँ फिर आपको। फ्रेंड्स देखिए, मम्मी ने ये वाला भी काट लिया, हम अभी दूसरा कार्ड बना रहे हैं। देखिए वो तो आप देख ही होंगे वीडियो में कि हम कौन सा कार्ड बना रहे हैं, ये है फोर हार्ट है ना मम्मा? हाँ बेटू करो ना, तो मुझे लेट हो रहा है ना। ओके देखते हैं, तो गाइस कटिंग करके हो गया। वाओ कितने अच्छे हार्ट थे ना, देखे फिर से। वाओ देखे ये व्हाइट हार्ट एंड रेड हार्ट एंड ग्रीन हार्ट, वाओ वाओ वाओ। मैं तो व्हाइट हार्ट पहले बार देख रही हूँ और ग्रीन। अभी मम्मा एक और काट रही हैं। लाओ बोलो, गम लाओ ना, मैं हर चीज में बताऊंगी तब तुम नहीं कराओगी, जब आपको पता है कार्ड बन रहा है तो। ये हार्ट बनके हो गया। हार्ट बनके हो गया, क्या हो गया? नहीं मतलब वो कट करके हो गया। इसका लैंग्वेज ना 86% नहीं आएगा। अरे गलती हो जाता है। लो से पेस्ट करो, देखो इक्वल यहां से ना इक्वल डिस्टेंस होना, ऐसा नहीं आप चिपका दे पूरा ना, फेविक स्टिक लाओ जल्दी चिपकी ऑफिस कहां है, चिपकेगा भाई। हां पेपर से चिपक जाएगा जल्दी। अरे नहीं हुआ, जल्दी चिपकाओ ना बेटा उसे, मेरे पास आज बिल्कुल समय नहीं है, समझी? हाँ ठीक है, ये हो गया। पेस्ट करो व्हाइट वाले में जल्दी से।
तो फ्रेंड्स इसका कार्ड रेडी हो गया है, बहुत टाइम लगा दी मुझे। लो ये एक तरफ है तनीषा। अरे यार मैं इधर भी चिपका दी, लगा दी। अच्छा कोई बात नहीं, सूख जाएगा। और ये इधर काव्या या वाओ रेडी फ्रेंड्स फॉरएवर तनीषा एंड काव्या, यही थर्ड टॉप सीक्रेट। और एक इधर लेटर टॉप सीक्रेट हमारा, ये है तनीषा और ये है गुन्नू मैडम। और ये है गुन्नू मैडम का। तो दोनों सिस्टर है इसलिए एक जैसा ही कार्ड बनाए तो हारूंगी लगती। मैंने जैसे एक ही कलर भी कहा था लेकिन ये बोली कि नहीं गुन्नू को ग्रीन कलर पसंद है इसलिए फिर ग्रीन कलर का कार्ड। अरे अपना फेवरेट कलर का करना है फ्रेंड्स। हम हैं शॉप में, शॉप में कहां जा रही हो शॉप में? अरे नहीं मतलब आज है फ्रेंडशिप डे और तनीषा ले कार्ड ले लिए अपने फ्रेंड को देने के लिए। अब ये लेने जा रही है चॉकलेट। पता है ना खाते को चॉकलेट कैसे तुम भी देखे ऐसे ये लगाओगे चॉकलेट। अच्छा तो चॉकलेट लेने के लिए जा रही है और इसके बाद जाएंगे इसके फ्रेंड के घर। ये सारा शॉप अच्छा संडे है ना इसलिए बंद है ज़्यादातर मतलब दुकान बंद है आज। तो अब हम सीधे अपने इसकी फ्रेंड के घर जाते हैं और वहाँ का आ गई है अपनी फ्रेंड के घर और ये है इसकी फ्रेंड। हेलो ये है गुन्नू और ये है काव्या और ये है मेरी फ्रेंड। हेलो सुनीता, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। सेम टू यू। अच्छे से बेटा बारी बारी से ऐसे 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 देते हैं। रुक जाओ ऐसे चॉकलेट रखो एक पहले पकड़ो। ओके लो ऐसे ये बना रही हां कट करके दे दीजिए। थैंक यू हैप्पी फ्रेंडशिप डे तनिषा। थैंक यू। क्या लिखा हुआ है पर किसना हो? Happy Friendship Day, my dear Tanisha. अपना कार्ड दिखाओ। Show your card. ये बहुत अच्छा है। Wow. आप लोग भी ऐसे पकड़ के रखो। सारे लोग अपना अपना कार्ड दिखाओ। ऐसे। मोड़ रखो ना। This is my card. सारे लोग खड़े हो जाओ। संग किसी ने? ये वाला मेरा ले लो। ये तुम्हारे लिए। और मैंने अपने स्टार से इसे चेकलेट खाया। दिखाओ अपने अपने कार्ड। ये बच्चों का फ्रेंडशिप डे। अब आप लोग चॉकलेट खा लो ठीक है। अब आप लोग डांस भी करेंगे।